सीएम नायब सिंह सैनी के चुनाव रण में क्षेत्र का हो सकता है फेरबदल। करनाल और लाडवा से चुनाव लड़ने पर संशय। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सियासी पार्टियों की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो पार्टियों के काबिल धुरंधर कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। काबिले गौर है कि सीएम नायब सिंह सैनी बीते 4 जून को ही करनाल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वे कुरुक्षेत्र से सांसद थे। लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सैनी को प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई थी। वहीं अब बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा चुनाव करनाल के बजाय दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस सवाल पर सैनी ने कहा है कि वह चुनाव कहां से लड़ेंगे उसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों के टिकट पर अंतिम मोहर लगाता है। सैनी के लाडवा से भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, तो वही लाडवा में सैनी मतदाता की संख्या अधिकतर है। लगातार कह रहे थे कि लाडवा से आइए, ऐसे सजेशन हर जगह से मिल रहे होंगे, आप क्या विचार कर रहे हैं, चुनाव आ ही गया है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए काफी जगह से लोग इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा पूरा परिवार है। हरियाणा के लोगों की बात सुनना ये मेरी सरकार का दायित्व है। इससे पहले पंचकुला में पार्टी दफ्तर में संकल्प पत्र की पहली बैठक में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा और विपक्ष में यही अंतर है कि कांग्रेस में व्यक्ति तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। क्या पता हुड्डा की सीट पर कुमारी शैलजा को चुनाव लड़वा दिया जाए। रणजीत सिंह चौटाला के बगावती तेवर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह हमारी सरकार में अभी भी मंत्री हैं, पार्टी जिसकी जो भूमिका तय करती है वही आगे चलती है। इस दौरान विपक्ष पर तीखे शब्दों के वार करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए हुड्डा और दुष्यंत चौटाला आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पल्ली पर बैठे दिखाई देंगे। राहुल गांधी व दीपेंद्र हुड्डा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों की तारा सितारा की जोड़ी है। तारा सितारा का हरियाणा से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का हाईकमान राहुल गांधी को सेट करने में लगा है और हरियाणा का कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को। इनका हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हरियाणा में चुनावी हलचल से रूबरू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सुरक्षा जल्द वापस लौटूंगी लेकर बड़ी खबर। बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।